साइन कर देना। हम आप लोग को क्या दिखाने वाले हैं आज, बहुत अजीबा चीज दिखाने वाले हैं और बहुत अच्छा चीज ना जी। व्यास जी आज हम लोग क्या दिखाने वाले हैं? तो नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके छोटे भाई तेजुराज प्रेमी को देखिए। आज देखिए इनका आँख में घाव हो गया है, देख लीजिए बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, देख लीजिए। आप लोग इतना आशीर्वाद प्यार दे दीजिए ना कि जल्दी ही ठीक हो जाए, आप क्या बोले, बहुत दिक्कत में है हम लोग, बहुत परेशानी में है, मैंने पूछिए मत, कहीं जा मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का, बनाने का भी मन नहीं कर रहा है और बनाएंगे भी नहीं, तो आप लोग को मनोरंजन कहाँ से मिलेगा। और देखिए आप लोग चाहिएगा कमेंट में जरूर बताइए वीडियो हम बनाए कि छोड़ दे, मन नहीं कर रहा है इसलिए कि इतना मेहनत कर रहे हैं कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसलिए मन नहीं कर रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, भगवान घर में देर रहता है अंधेर नहीं, और कभी ना कभी रिस्पांस मिलेगा ही। और एक और बात आप लोग से हम लोग बताने वाले हैं कि आज हम लोग बहुत बढ़िया काम किए हैं, लेकिन अब पूछे मत किसी से लेकर किए हैं काम ना जी। जी कर्जा, कर्जा तो देखिए क्या हम लोग लिए हैं, तो देख लीजिए हम लोग कूलर लिए हैं। तो किस लिए कूलर लिए हैं? तो कूलर हम लोग इसलिए लिए हैं कि हम लोग की जो बेबी थी ना वो सो नहीं रही थी, बहुत रात भर रोती थी, दिन भर रोती थी, उसको जो जॉन्डिस हो गया है था, तो उसका शरीर में चिनचिनाहट हो गया था। तो देखिए हम कूलर लिए हैं और किसी से पैसा लेकर लिए हैं, लेकिन आप लोग के लिए प्यार दुलार पाने के लिए हम, और बेबी को अच्छा स्वस्थ रहने के लिए हम लिए हैं। तो देखिए हम लोग कैसे लिए हैं कूलर, आप कैसे वो सोई है, देखिए अभी हम लोग आप लोग को दिखा रहे हैं। दिखाइए इधर लीजिए, हाथ पकड़िए आप, क्या हम दिखाइए, हमको वीडियो बनाने के बारे में, देखिए यहाँ से नहीं तो इधर से नहीं अच्छा आएगा, इधर से देखिए हमारी बेबी कितना प्यार से सोई है, देख लीजिए कितना सब चीज हम लोग ओढ़ना बिछाना लगा दिए हैं, और इधर से कूलर लगा दिए हैं, दिखा दीजिए थोड़ा कूलर, और परी के लिए हम लोग कूलर लगा देते हैं ऐसे, और यहाँ सोई है। तो देखिए हम लोग अपने परी के लिए सेवा में लगे हैं, अभी थोड़ा ठीक है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही दुआ दया करते रहिए कि परी ठीक रहे और मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अच्छा रहे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सब हम लोग परिवार जितने हैं उतने हम लोग खुश रहें, और आप लोग भी खुश रहिए, और ऐसे ही ब्लॉग देखते रहिए और प्यार दुलार देते रहिए, और सब आप लोग का मर्जी है, आप लोग क्या करेंगे क्या नहीं, थोड़ा कले कले बोलिए ना, यही बात है, क्या करे, कितना लोग कमेंट कर रहे हैं, बाकी हम मना कर रहे थे काम के लिए, नहीं मानी, बाकी क्या बात है, ऐसा ना कि भाई दो पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा। नहीं जी, आप लोग से बताने वाले हैं कि अब तो 2 से 3 हो गए, तो परी के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए करेंगे, नहीं तो खाएंगे कहाँ से, तो कोई भी है आज के डेट में करेगा नहीं तो खाएगा कहाँ से, तो इसीलिए सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। और हम 3 तारीख के अपने माई के घर जाने वाले हैं, तो हम अपने माई के दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसा है और हम किस मेरे जगह से हैं और कैसा घर से है, तो आप लोग को हम जरूर दिखाएंगे, और हम साल भर हो गया कि नहीं गए, तो चलिए कोई बात नहीं है, अब जाएंगे तो परी डिस्टर्ब हो रही है इसलिए कि इसको हवा नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए परी थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, तो बहुत परेशान करती है, पूछिए मत परी, और परी परेशान नहीं करती, लेकिन क्या करें, भगवान ऐसा ऐसा रोग भी दे देते हैं ना, पीलिया किसी का भी होता है तो बहुत शरीर चनचनाता है, बहुत परेशान है, हम लोग 2 महीना से इतना परेशान है कि अब कहिए मत, कहने लायक है नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं कि अब जाना पड़ेगा, हमको लगता है बाहर कमाने के लिए, क्या करिएगा, हमारी परी को 3 तारीख को 1 महीने हो जाएगा, कब जाएंगे, बस आप लोग का इंतजार है, अगर आप लोग कमेंट करिए कि क्या करें, मैं जाऊं कि रहूं यहाँ पर, तो हमारी परी को 3 तारीख को 1 महीने हो जाएगा, रिस्पांस नहीं आया है अभी तक, ऐसा ही चलता रहा है, तो देखिए और किसी का कब मैंने घर द्वार संवारा है और संवारे गई, अब हम लोग तो परिवार वाला हो गए, तो अब काम तो करना ही पड़ेगा, तो देखिए आप लोग दुआ दया करिए और थोड़ा हमारे वीडियो को प्यार दुलार दीजिए और आगे बढ़ाइए, और तो कि हम अपने परी को जिया लें और दवा दुआ सब करवा लें, तो आप लोग थोड़ा प्यार दुलार देते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। तो देखिए परी थोड़ा सोई है, तब तक हम काम कर लेते हैं,
तो काम करके और आप लोग जल्दी जल्दी से बताएंगे, बहुत ज्यादा ही काम है, पर रिसोई है। तो चलिए हम काम करते हैं, तो काम दिखा दीजिए, अभी काम भी है बहुत ज्यादा। और कूलर चालू करिए, परी जग रही है बहुत ज्यादा, चालू करिए, कम कम पानी वाला बंद कर दीजिए। तो और सब बताइए, आप लोग कैसे, उम्मीद करेंगे कि अच्छा होंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि हम क्या करें, या जाए बाहर में कंपनी में काम करेंगे तो अच्छा खासा हमको पैसा मिलेगा, 18 से 20 हज़ार मेहनत करेंगे तब आई है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग का इंतजार है। बारिश हो गई चालू होते हुए, तो पर्री का भी थोड़ा क्या करें, पर्री से तो हम लोग है और पर्री हम लोग से, तो तेज मत करिए, थोड़ा कम करिए और पानी वाला बंद कर दीजिए, बंद हो गया। तो क्या करें, देखिए यहाँ सिस्टम फूट पड़ा है, देखिए या क्या करें, इसको बेचना है, सिस्टम है हम लोग का नहीं है, है मगर बेचना है इसको, नहीं गोविंद जी का है। तो ये छोटा मोटा हम लोग काम के लिए रखे हैं, बाकी लग रहा है कि अब सब चीज छोड़ना पड़ेगा, लगता है गांव पर जाना पड़ेगा। और हम लोग तो खुद किसान के बेटा है, ऐसा बात नहीं है, हम लोग करके जी लेंगे, खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत भी पहले भी हम लोग करते थे, ऐसा बात नहीं है, हम खेती बहुत दब के करते थे, दिन दिन भर कुदारी चलाते थे, ऐसा बात नहीं है। मेरे घर पर अभी भी सब्जी रोपाता है, आप लोग के देखे होंगे क्या। तो हम जाएंगे अपने माई के घर ना, काले के घर अंदर का है, देखिए तो ये अंदर है, कैसे ठीक होगा यार, अभी ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिक ठीक होगा ना, तो बात है, चलते हैं देखते हैं। देखिए हमको कूलर चलाने नहीं आता है, चलिए देखते हैं कपड़ा का मशीन क्या हुआ है, चलो देखते हैं वहाँ पर, यहाँ पर चल रहा है कपड़ा धोने का मशीन, छोड़ो चलिए दिखाते हैं, यहाँ पर कपड़ा धुलाई चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर कपड़ा का मशीन कितना लीटर में कितना पानी आता है बताइए, कितना इसमें डाला जाता है कपड़ा, तो कौन लीटर पानी, सात लीटर में कौन कपड़ा, देखिए किलो वजन उठा लेती है कम से कम 5 से 7 किलो ना। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है लाइट, क्या करिएगा, लाइट बिल ज्यादा आ रहा है, हमारे यहाँ 1 यूनिट के 7 रुपया है, तब जोड़ लीजिए 1500 से 2000 रुपया महीना का लाइट बिल आता है, ये सुखाने वाली है ना जी, इसमें कुछ डाला गया, अभी नहीं डाला है, खंहार दिया जाता है ना, तब डाला जाता है। देखिए मशीन चल रही है, यहाँ पर धुलाई हो रहा है, जिसको कपड़ा धुलवाना है ना जी, धुलवाइए और रख जाइए, बहुत है। देखिए बहुत सुखवार है, मेहनत कपड़ा नहीं धो पा रहे, हमारे पापा दिए थे इसीलिए धुल रहे हैं, तुम्हारे पापा दिए थे, किसको दिए थे, आपको दिए थे दहेज में, ये हमारा नाम है, हमारी बेबी का इसी में देखिए क्या धुला रहा है, नहीं उसका पैटा धुल रहे है, देख लीजिए, इसलिए चालू करना पड़ता है कि रोज उसको कपड़ा गंदा हो जाता है, क्या ज़्यादा तो चलते हैं फिर, आप लोग जरूर बताइएगा कि हम क्या करें, या रहे या जाए, नहीं जाएंगे नहीं तो जो पैसा लिए हैं वो कहाँ से भरेगा भैया, हाँ भैया ये तो बात है,
तो आप लोग जरूर बताइएगा, इसलिए कि बहुत दिक्कत में हो गए, हम परेशान हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो मैं क्या करूं, वीडियो बनाए या ना बनाए, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। आज इससे कहिएगा वैसा हम निकलने वाले हैं, जाएंगे बाहर में कमाएंगे।